प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। ज्वेलर के लूट और दुकान मालिक की हत्या के मामले में उदयपुर की भूपालपुरा थाना पुलिस ने मंगलवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरियाणा से पकड़ा गया है। थाना अधिकारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में आरोपी आशीष चौधरी निवासी रोहतक हरियाणा को पकड़कर उदयपुर लेकर आए। आरोपी को भूपालपुरा थाने लाकर जेल में बंद करने वाले थे, तभी आरोपी कांस्टेबल को धक्का देकर थाने की दीवार फांदकर भागने लगा। इस दौरान आरोपी का पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे थाना परिसर में पकड़ लिया और इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 19 दिन पहले उदयपुर शहर के अशोक नगर स्थित जैनम ज्वेलर्स की हत्या व लूट के बाद फरार होकर दिल्ली भाग गया था। उसने कई सरकारी हॉस्पिटल में रात गुजार कर फरारी काटी ताकि किसी को पता नहीं लगे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ये पता करेगी कि आरोपी ने इससे पहले कितनी लूट सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। मामले में दो आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जिसमें आरोपी विकास चौधरी CISF का जवान है जो मुंबई में कार्यरत था और डकैती डालने के लिए उदयपुर आया था। आरोपी विकास ने ज्वेलर की हत्या और सोना लूटने के बाद भागते हुए चारभुजा मंदिर की गली में साजिद पर फायर कर स्कूटी छीनकर भागने का प्रयास किया था, तथा तभी पुलिस ने पीछा करते हुए विकास को गिरफ्तार कर लिया था।